गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू। सिट डाउन। थैंक यू सर। बच्चों आज अपने समतुल्य बिन को समझेंगे। कौन सी बिन समतुल्य होती है इसको अपने जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए अपने देखिए आपके सामने टेबल बना रखी है, टेबल को समझेंगे और बिन लिखेंगे, फिर उसका समतुल्य बिन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये कुल कितने डिब्बे दिख रहे हैं आपको? दो। तो यहाँ कुल जो है वो नीचे लिख दिया आपने दो, और इसमें भरे हुए कितने डिब्बे हैं? एक। तो ये एक ऊपर लिख दिया, इसका मतलब भिन्न क्या होगी? एक दो। शाबाश। इसी प्रकार इसमें कुल कितने डिब्बे हैं? ये दस। तो दस मैंने क्या किया, नीचे लिख दिया, और ऊपर भरे हुए डिब्बे कितने हैं? पांच ऊपर लिख दिया। तो ये भिन्न क्या होगी? पांच बटे दस। अब ये बताओ ये एक बटे दो और पांच बटे दस एक दूसरे के समतुल्य है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए अपने क्या करेंगे, इसको एक सरल करेंगे। सरल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए भाग देते हैं कोई संख्या से, इसमें किसी भी संख्या का भाग दोनों में जा रहा है क्या? ये तो कटा हुआ ही है लास्ट तक, एक और दो। अब इसको देखिए पांच बटे दस इसमें किसी संख्या का भाग जा रहा है? जा रहा है क्या? यस सर। किसका? पांच का। पांच का, पांच का देखो पांच में भागने में कितना आएगा? एक। और पांच का दस में भागने में कितना आएगा? दो। तो ये भिन्न क्या बन गई? एक बटे दो। इसका मतलब इस एक बटे दो का ये पांच बटे दस क्या है? समतुल्य भिन्न रूप है। इसी प्रकार अपने देखिए अब यहाँ ये कितने डिब्बे हैं कुल? पांच। पांच यहाँ लिख दिए और भरे हुए कितने हैं? दो। तो दो बटे पांच भिन्न बन गई। इसी प्रकार ये कुल कितने डिब्बे हैं? और भरे हुए कितने हैं? चार। भिन्न क्या बन गई? चार बटे दस। अब ये दो बटे पांच और चार बटे दस एक दूसरे के समतुल्य है या नहीं है ये ज्ञात करने के लिए वही अपने जिस प्रकार उसमें भाग दिया था वैसे इसमें भाग देकर इसको सरल करेंगे तो जो भिन्न रूप आएगा वो इसका समतुल्य होगा। तो इसको बताओ कोई काट के बता सकता है? चलो बेटा इसे काट करके बताओ आप। किस पहाड़ी से कट रही है? दो से। शाबाश, काटो। दो दूनी चार। शाबाश। और दो पंच दस। कितना आ गया? दो बटे दस है? दो बटे पांच। हाँ तो देखो ये भी दो बटे पांच और इसको भी काटने पे सरल किया तो कितना आ गया? शाबाश। तो दो बटे पांच। तो दो बटे पांच की चार बटे दस समतुल्य हो गई। तो इसी प्रकार किसी भी भिन्न को उसके कई प्रकार के रूप में व्यक्त करने पर जो भिन्न बनती है उसको समतुल्य भिन्न कहते हैं। इस तरह आप समतुल्य भिन्न ज्ञात कर पाओगे? यस सर। क्या बात।